हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर क्रीपी अपलोड। दिस इज SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए सच्चे क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो इफ यू वांट टू सबमिट योर स्टोरीज, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल भेजा है, आप वहां अपनी स्टोरीज सबमिट कर सकते हैं। एंड प्लीज यूज दिस फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग योर स्टोरीज। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टोरी। We all have had our loved ones lost. Maybe तुम्हारे दादा या फिर नाना या फिर नानी। हम सभी को पता है the pain of losing somebody who's close to us। और फिर इस गिल्ट के साथ जीने का कि काश हम उनके साथ और टाइम स्पेंड कर पाते, या फिर काश हम उनसे बस एक और बार बात कर पाते। पर अगर तुम्हारे डिसीज थी तुमसे एक आखिरी बार दोबारा मिलने आए तो, डेथ के बाद वो तुम्हें कुछ मैसेज देने तुम्हारे पास आए तो, मेरी नानी जी की स्पिरिट मुझसे आखिरी बार मिलने आई। ये कहानी मेरी लेट नानी जी की है। वो बहुत खुश दिल इंसान थी। मेरी मम्मी उनकी सबसे छोटी बेटी थी, इसलिए वो उनसे बहुत प्यार करती थी। और मैं अपनी मम्मी की फर्स्ट चाइल्ड हूँ, जिसकी वजह से नानी जी मुझसे और ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी नानी का घर मध्य प्रदेश में है और हम दिल्ली में रहते हैं, तो मैं नानी जी से ज़्यादा मिलने नहीं जा पाती थी, पर मेरी मम्मी उनसे बहुत मिलने जाया करती थी। तो ये बात मेरे स्वर्गीय नाना जी की डेथ के बाद की है। मेरे नाना जी की डेथ के करीब 6-7 महीने के अंदर ही मेरी नानी जी की तबीयत भी थोड़ी खराब होने लगी, तो हमने नानी का डॉक्टर से चेकअप करवाया। उनकी रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल ही निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर हाँ, मेरी नानी डायबिटिक पेशेंट थी। उस समय मेरी उम्र कुछ 11-12 साल की थी, और जब नानी जी का चेकअप चल रहा था तो मुझे चिकन पॉक्स हो गए थे। जैसे ही मेरे चिकन पॉक्स ठीक हुए तो वो सीधा मेरी मम्मी को हो गए, और ये समय गर्मियों का था, तो हम अंदर रह के कभी मेरा और कभी मम्मी का ध्यान रख रहे थे। इस समय मेरी नानी हॉस्पिटल में ही थी। तो अचानक मेरे मामा जी के घर से एक कॉल आई कि नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, आप सभी लोग उनको देखने के लिए आ जाओ हॉस्पिटल में। पर जब हम निकलने की कोशिश कर रहे थे तो मेरे मामा जी ने पापा को बताया कि डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि नानी जी अब नहीं रही। पर मेरे पापा ने ये बात मम्मी को बताने के लिए मना करी थी। उन्हें बस ये बोला गया था कि नानी जी की तबीयत बहुत खराब है और वो अभी हॉस्पिटल में है। अब मध्य प्रदेश में जाना, वो भी इतने अचानक से, इतना आसान नहीं था। ऊपर से मम्मी को चिकन पॉक्स भी थे। बोला जाता है कि चिकन पॉक्स के टाइम पर कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। हम सब ने मना करा मम्मी को कि कुछ नहीं हुआ है नानी को, वो बस हॉस्पिटल में एडमिट है। पर मेरी मम्मी को कुछ फीलिंग्स आ रही थी कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जिद करने लगी कि मुझे भी जाना है, मुझे अपनी माँ को देखना है। मेरे पापा मेरी मम्मी को नहीं रोक पाए और उन्होंने एक कार अरेंज करी, और उस कार में मेरी मम्मी, पापा, भाई और ताई जी निकल गए। मैं और मेरी छोटी बहन घर पर ही रुके थे। दिल्ली से मध्य प्रदेश जाने में कम से कम 5 घंटे का टाइम लगता है। कार से जा रहे थे वो लोग, और रात का टाइम था तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगे होंगे। पर उस रात बहुत कुछ अजीब होना शुरू हुआ। वो सब अपने नॉर्मल रूट से ही जा रहे थे, जहाँ से वो हर बार जाया करते थे। तभी अचानक उस रात बिन मौसम बारिश होना शुरू हो गया, और मेरे पापा घर जाने का रास्ता ही भूल गए थे, जैसे कि वो कभी वहां गए ही नहीं हो। मम्मी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मौसम का अचानक से बदल जाना कुछ अजीब सा था। फिर किसी तरह से वो लोग नानी के घर पहुंचे, पर उन्हें 5 घंटे के बजाय 8 घंटे लगे इस सफर में। आप समझ सकते हैं कि कितना अजीब सा था सब कुछ अचानक से होना। घर जाके मेरी मम्मी को पता चला कि नानी जी की डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ डायबिटिक लेवल बढ़ने से हुई थी। अब नानी जी की डेथ के बाद 13वीं थी, और मेरी मम्मी 13वीं तक के लिए वहीं रुक गई थी। पर मेरे पापा और ताई जी नानी जी की डेथ के अगले दिन घर वापस दिल्ली आ चुके थे। उन दोनों को यहाँ पहुँचने में रात हो गई थी, और तब तक हम सब ने खाना खा लिया था। मैं और मेरी ताई जी खाट पर सोए थे, और पापा और मेरी छोटी बहन बेड पर सो रहे थे। हमारी खाट रूम के गेट के पास ही थी, और बेड उससे थोड़ा दूर था। रात में मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि अचानक मुझे कुछ फील हुआ, जैसे कि कोई मेरे पास आया है, और उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे माथे पर किस की। मैंने अचानक से अपनी आंख खोली और देखा कि कौन है वहां पर, बट सरप्राइजिंगली वहां कोई भी नहीं था। सुबह होने पर मैंने ये बात पापा को बताई। पापा जी को ये बात बताने के बाद जो मेरे पापा ने मुझे बोला, वो सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे पापा ने मुझे कहा कि रात में नानी जी आई थी तुमसे मिलने, और बस तुमसे ही नहीं, मुझसे मिलने भी। पापा ने बताया कि सेम मेरी तरह उनके सर पर भी नानी ने हाथ फेरा था और पापा को नानी ने कहा कि मेरी तरफ से तुम सबका ध्यान रखना। मेरे पापा की उस समय आंखें बंद थी और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे पर वो बोल नहीं पाए। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि नानी जी हमसे लास्ट टाइम मिलने आई थी। मैं नानी से लास्ट टाइम मिलने नहीं गई थी, इसीलिए शायद से वो हमसे मिलने आए थे। So the stalking situation in India is very bad. बहुत सारे लोग इंडिया में डेली बेसिस पर स्टॉक होते हैं एंड इट कुड लीड टू हार्म एज वेल। और वैसे भी इंटरनेट की डे एंड एज में तो स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा हार्मलेस लगती है, पर किसी के पास्ट में जाना, किसी के बीते हुए कल से गड़े मुर्दे उखाड़ना और उन्हें रैंसम जैसे यूज करना ठीक नहीं है, स्पेशली अगर कोई अपने बीते हुए कल को सच में भूलकर आगे बढ़ना चाहता है और एक नया इंसान, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। पर एक स्टॉकर किस हद तक तुम्हें परेशान करने जाएगा। मैं एक 28 साल की शादीशुदा औरत हूँ और मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे प्यार करने वाला एक पति और एक खूबसूरत सा बच्चा मिला था। मेरे हस्बैंड और मैंने लव मैरिज करी थी जिसे बड़े धूमधाम से मनाया गया था। हमारी शादी हर सेंस में परफेक्ट थी। मेरी सासू माँ भी मुझे ज़्यादा डांटती नहीं थी और हमने शादी के बाद एक नया फ्लैट भी लिया था रहने के लिए। मेरी फैमिली और कभी मेरे हस्बैंड की फैमिली आते रहते थे हमारे घर शादी के बाद हमसे मिलने के लिए। और इस बीच मेरे हस्बैंड के और मेरे कई सारे दोस्त भी हमारे नए घर आए थे। सब लोग यही कहते थे कि हम बस एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि जितना सपोर्ट हम दोनों एक दूसरे को करते थे उतना सपोर्ट, उतना प्यार शायद से ही कोई करता होगा। पर फिर एक दिन सब कुछ अचानक से बदल गया। एक दिन जब मैं घर में ही काम कर रही थी तो मुझे फेसबुक में एक अनजान नाम से कुछ मैसेज आया। ये एक लड़का था और उसका फेसबुक में नाम लिखा तो प्रताप था, पर मैं किसी प्रताप नाम के आदमी को नहीं जानती थी। उसका सीधा पहला मैसेज जो था वो ये था कि पहचाना? कौन? मुझे लगा कोई रैंडम आदमी मुझे फेसबुक में बस मैसेज कर रहा है, तो मैंने उसके मैसेज को इग्नोर करा। पर फिर अचानक उसने मुझे एक वॉइस नोट भेजा। मुझे इतने जल्दी भूल गई हो? तरुण के हाउस पार्टी की रात तुम्हें याद है ना? मैं घबरा गई और सुनते ही मैंने फोन को सीधा नीचे रखा। मेरा फोन अभी भी खुला ही था और मुझे दिख रहा था वो मैसेज। तभी अचानक उसने मुझे एक फोटो भेजी जिसमें मैं थी और एक लड़के ने मेरी कमर में हाथ डाला हुआ था। मुझे अच्छे से याद है ये रात, क्योंकि तरुण मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और उस रात हाउस पार्टी में होने के बजाय मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी थी। मैंने इस लड़के से पूछा, ये कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? तो उसने रिप्लाई में मुझे कहा, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। उसके बाद फेसबुक पर मुझे कोई मैसेज तो नहीं आया इस आदमी से, पर मैं दिन भर घबराई हुई थी। रात में जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो उन्होंने नोटिस करा कि मैं काफ़ी शांत हूँ, काफ़ी घबराई हुई लग रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। पर मैं ये चीज़ उन्हें नहीं बता सकती थी, मैं उन्हें ये फ़ोटो नहीं दिखा सकती थी कि मैं किसी और मर्द के साथ थी। तो मैंने इस बात को टाल कर उनसे हंसी मजाक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मुझ पर शक करना बंद करा। एक हफ्ता बीता और मुझे इस फेसबुक अकाउंट से कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। पर फिर अचानक मुझे एक नए अकाउंट से एक और मैसेज आया और इस बार ये एक मैसेज नहीं बल्कि मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स थे। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे एक्सेस के थे और उनसे मैंने जो बातें करी थी, जो भी मैंने हरकतें करी थी, मेरी सारी पिछली गलतियाँ इन स्क्रीनशॉट में थी। मेरे ज़्यादा एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं थे, पर जितने भी मेरी पास रिलेशनशिप थी वो सारी ही टॉक्सिक थी। मैं हमेशा एक गलत लड़के के लिए प्यार में फंस जाती थी और हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस लड़के को ठीक कर सकती हूँ। तो वो मुझे जो बोलते थे करने के लिए मैं वैसा करती, सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए, सिर्फ उन्हें प्लीज करने के लिए। Until I met अजय। अजय was really the love of my life। इसीलिए मैंने अजय से शादी भी करी। पर मुझे डर था कि अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरा पास कैसा है, कि मैंने क्या क्या करा है, तो वो मुझे छोड़ देंगे और तब हमारा हंसता खेलता परिवार टूट जाएगा। मैंने दोबारा इस आदमी से पूछा कि कौन हो तुम, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हें ये सारे स्क्रीनशॉट कहाँ से मिले? तो उसने मुझे रिप्लाई करा, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे 7 लाख रुपए देने का इंतजाम करो और अपने पति को सब कुछ सच सच बता दो, वरना ये सारे स्क्रीनशॉट मैं तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे फ्रेंड्स को भेज दूंगा। आई कुड नॉट डू दैट थिंग। मैं काम नहीं करती थी तो 7 लाख क्या 7,000 भी मेरे पास नहीं थे, और मैं ये चीज़ अजय को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि इन सारी बातों को जानने के बाद वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने मैसेज में इस आदमी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम प्लीज़ ये तस्वीरें डिलीट कर दो और मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो इस आदमी ने मुझे एक और स्क्रीनशॉट भेजा। इन दिस स्क्रीनशॉट आई वॉज वेरी इंटॉक्सिकेटेड, और इसमें भी मेरा एक एक्स मुझे जमीन से उठा रहा था। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग हैपनिंग एट दैट टाइम, पर मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर कोई ये फोटो देखेगा तो क्या सोचेगा। मैंने फ़ोन नीचे रखा और मैं रूम में इधर उधर घूमने लगी, सोचने लगी कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। हमारी फैमिली अभी अभी स्टार्ट हुई है, आई कैनॉट रिस्क दिस थिंग। बहुत सोचने के बाद मैंने ये मान लिया दैट ओके आई विल गिव हिम 7 लाख रुपीज। मैंने फेसबुक में इस आदमी को मैसेज लिखा कि ठीक है अब तुम मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे 7 लाख जोड़ने का टाइम दो। ही रिप्लाइड बैक दैट यू हैव 1 वीक 7 डेज। 7 दिन थे मेरे पास 7 लाख जोड़ने के। आई हैड नो आइडिया कि मैं कहाँ से ये सारा पैसा लाऊंगी, कैसे जोड़ूंगी इतना, क्या करूंगी इसके बाद। और पैसा देने के बाद भी क्या श्योरिटी थी कि ये आदमी जो मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहता है ये मेरे घर वालों को ये स्क्रीनशॉट्स, ये फोटोज नहीं भेजेगा। 3 दिन बीत गए थे और मैं अभी भी कुछ सोच नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी इस चीज के लिए। तो एक रात को मैंने अजय से ये बोलने की कोशिश करी। मैंने लाइटली कन्वर्सेशन में ये डाला कि तुम्हारी कितनी एक्सेस थी मेरे से पहले। टू विच अजय रिप्लाइड दैट देयर वर नन, यू आर माई फर्स्ट एंड ओनली लव। मैं सच में उस रात उसे सब कुछ बताने वाली थी, पर ये लाइन सुनकर मुझसे कहा नहीं गया। 6 दिन हो चुके थे अब, और कोई और रास्ता ना दिखने के बाद मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर अजय को सारी बात बताने की सोची। सैटरडे था इस दिन, तो मैं और अजय राइड पर बाहर गए थे। इट वॉज अ नाइस डे, बट अजय कुड सेंस दिस थिंग दैट आई वॉज वेरी नर्वस। तो उसने गाड़ी साइड में रोककर मुझसे पूछा क्या हुआ है, पिछले 1 हफ्ते से तुम बहुत परेशान हो, मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मैंने रोना शुरू कर दिया। ही लव्स मी सो मच, ही केयर्स अबाउट मी सो मच, पर मेरे पास की वजह से अब हमें ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। पर रोते रोते मैंने अजय को सब कुछ सच बताने की सोची। मैंने उसे बताया मेरे पास में 4 बॉयफ्रेंड्स थे, जिनमें से 3 बहुत ही बुरे थे। वो मुझे जबरदस्ती शराब पिलाते थे, जबरदस्ती पार्टीज में ले जाते थे, और मैं उनके कहने पर सब कुछ करती थी बिकॉज आई वॉज अ पीपल प्लीजर। मैं सभी को अपने आसपास खुश रखना चाहती थी, जिसके चलते हुए मैंने कहीं सारी अनफॉर्चुनेट चीजें कर दी थी। अजय थोड़ी देर चुप बैठे रहे, उनकी साइलेंस मुझे खा रही थी और हर एक सेकंड के साथ मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। समय जैसे रुक सा गया था। एंड इवन दो आई नो दिस थिंग दैट इट वाज नॉट पॉसिबल, बट आई कुड हेयर अजय ब्रीथ, आई कुड हेयर हिज हार्ट बीट। अचानक से अजय ने हाथ ऊपर करा और मेरी हैबिट की वजह से मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी टाइट कर ली अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। बट देन ही हग्ड मी। आई वाज सरप्राइज्ड एंड सो शॉक्ड दैट आई स्टार्टेड क्राइंग इवन मोर। अजय ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड आई नो दीज थिंग्स कि कैसे लोग रिलेशनशिप में रह के अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई वॉज काइंड ऑफ रिलीव्ड दैट ही कुड अंडरस्टैंड वट आई हैड बीन थ्रू। फिर मैंने और रोती हुई हालत में अजय को अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बताना शुरू करा। ही वॉज लिसनिंग सो केयरफुली लाइक किड, बट ही वॉज सो अंडरस्टैंडिंग, इट रियली रिलीव्ड मी। इसके बाद इस स्टॉकर का मुझे दोबारा मैसेज आया जिसमें उसने कहा कि क्या पैसों का इंतजाम हो गया है। सो आई जस्ट रिप्लाइड मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया है। जिसके बाद से मुझे ना कोई मैसेज आया और ना ही मेरी कोई फोटोज मेरे परिवार वालों तक पहुंची। ये एक लंबा और तकलीफ भरा सफर था, लेकिन अंत में इस स्टॉकर ने मेरा पीछा छोड़ दिया। एंड आई वाज रिलीव्ड कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में अब कोई भी सीक्रेट्स नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम लोग मेरी वीडियोस देखते हैं बहुत सारे देशों से, और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे ये बताया है कि जो दुआ आप लोग पढ़ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। जो चीज़ आप मांगते हैं वो अगर आप सच्चे दिल से मांगो तो वो मिल जाता है। जो पीड़ा आप पे हो अगर आप सच्चे दिल से दुआ करो तो वो हट जाती है। पर आज की स्टोरी में एक फैमिली को दुआ ने ही बचाया था व्हेन दे गॉट हॉन्टेड बाय द चार्ली चार्ली गेम। मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, पापा, मम्मी, मैं, मेरी छोटी बहन सोफिया और सबसे छोटी बहन सारा। ये बात दुर्गा पूजा की स्टार्टिंग की है। हमारे स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी, और हमारे लिए छुट्टियां मतलब घूमना, क्योंकि वहाँ हमारी फूफू रहती थी। उनके घर में मेरे फूफा जी, मेरी फूफी और मेरे 2 कजन्स रहते थे। हम सभी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम अपनी छुट्टियां अपने कजन्स के साथ बिताने वाले थे। पर जिस दिन हम रांची पहुंचे हम सब काफ़ी थक चुके थे, तो हमारी फैमिली ने बाकी का पूरा दिन घर में आराम करने की सोची। अगली सुबह नाश्ते के बाद हम कुछ गेम्स खेलने लग गए थे और खेल खेल में हमने एक डरावना गेम शुरू करा, चार्ली चार्ली। मेरी बहन सोफिया ने पूछा, चार्ली चार्ली आर यू हियर? तो आपको चार्ली चार्ली का सेटअप तो पता ही होगा, पेंसिल रखते हैं और यस और नो का जवाब देता है चार्ली, ऐसा लोग मानते हैं। और हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं थे कि ऐसी चीज़ों में बिलीव करें, पर वो पेंसिल सच में मूव हुई। अब या तो किसी ने मजाक किया था या फिर हवा के झोंके की वजह से ये पेंसिल अपने आप हिली, पर उस पेंसिल का मुंह यस की तरफ मुड़ गया। और क्योंकि हम तब छोटे बच्चे थे तो हम डर के वहाँ से भाग गए और घर जाके ये बात हमने मम्मी पापा को बताई, जिसके बाद हमारे मम्मी पापा ने हमें बहुत डांटा, पर फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उसी दिन शाम को मैं और मेरी बड़ी दीदी डमशराज खेल रहे थे और सोफिया एंड मेरे कज़न यहाँ वहाँ भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरे कज़न ने सोफिया को स्टोर रूम में बंद कर दिया। स्टोर रूम के अंदर बहुत अंधेरा था, इतना ज़्यादा अंधेरा कि कुछ देख पाना बहुत मुश्किल था। तो सोफिया डर के जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा कज़न बाहर पे ही था पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला, ये सोचकर कि शायद सोफिया मजाक में रो रही है। पर थोड़ी देर बाद सोफिया दरवाजे पर बार बार जोर से मारने लगी। सब लोग सोफिया को रोते सुनकर स्टोर रूम की तरफ जाने लगे। हमने कोशिश करी डोर खोलने की, पर ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा अंदर से बंद हो या फिर ये दरवाज़ा किसी ने पकड़ा हो। बहुत कोशिश करने के बाद ये डोर खुला और मेरे कज़न के प्रैंक की वजह से सोफिया अब काफ़ी डर चुकी थी। उस रात किसी ने कुछ नहीं करा और हम सब शांति से डिनर करने लगे और डिनर के बाद हम सभी को बाय बोलकर होटल आ गए थे, जो पापा ने पहले ही ट्रिप के लिए बुक किया था। दिन भर इतना कुछ होने के बाद सभी काफ़ी थक चुके थे तो हम सब जल्दी सो गए, मम्मी पापा और सारा एक साथ और मैं और सोफिया एक साथ। पर वो रात मेरी लाइफ की सबसे डरावनी रात थी। कमरे के स्टार्टिंग में एक छोटी गली सी होती है, यू नो कॉरिडोर्स, उसके बगल में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक किंग साइज बेड, एक एक्स्ट्रा बेड और एक कॉफ़ी टेबल था। और उस बेड के बगल में एक पूरी दीवार जितनी बड़ी कांच की खिड़की थी जो सीधा बालकनी में खुलती थी। सब आराम से सो रहे थे। मेरी मम्मी की रात को उठने की आदत है, तो मम्मी उस रात 2:30 बजे के करीब उठी थी और उठते ही उन्होंने ये देखा कि सोफिया बालकनी की ओर मुड़ी हुई थी और वो शीशे से कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। मम्मी ने सोफिया को आवाज़ लगाई, सोफिया बेटा सोफिया, लेकिन सोफिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ी रही और वो बस बाहर देखती रही। टेंशन में आकर मेरी मम्मी ने सोफिया के पास जाने के बजाय पापा को बुलाना सही समझा और हल्की नींद होने की वजह से मैं भी जग गई थी। मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी अचानक मैंने देखा सोफिया अब हंस रही थी। उसने अपने दोनों हाथ खिड़की पर रखे और बहुत ज़्यादा ध्यान से वो खिड़की के बाहर देखने लगी। ये सब देखने के बाद मेरे पापा दुआ पढ़ते पढ़ते सोफिया की ओर जाने लगे। मेरे पापा ने सोफिया को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी सोफिया किसी स्टैचू जैसे खड़ी थी। कुछ देर बाद सोफिया अचानक से चिल्लाने लगी और अपने हाथ से पापा को दूर करने लगी। मेरे पापा दुआ पढ़ते पढ़ते सोफिया को पुकार रहे थे, पर वो फिर भी चिल्लाए जा रही थी और पापा को अपने आप से दूर कर रही थी। ये काफ़ी देर तक चला, पर उसके बाद सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ गई थी। मेरे पापा ने अब सोफिया को अपने साथ सुलाना सही समझा और मुझे मम्मी के साथ सुला दिया। पर मैं अब बहुत डर गई थी तो मैं सो नहीं पा रही थी। मेरे पापा सोफिया के साथ सोए थे तो इसलिए कंफर्ट में सोफिया भी अच्छे से सो गई। तो मम्मी और मैं बेड पर आंखें बंद कर लेटे हुए थे, तभी अचानक हमने कुछ सुना जैसे कि कोई कुछ कह रहा हो। मैंने आंखें खोली और मम्मी की तरफ देखा, पर मम्मी पहले से ही मेरी तरफ देख रही थी। उन्हें पता चल गया था कि मैं डर रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शांत रहो और अपने मन में ही दुआ पढ़ते रहो। तभी हमारी नज़र डोर पर एक डिम से बल्ब पर पड़ी। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे अच्छे से पकड़ लिया और हम दोनों ने आंखें बंद कर ली। ये सारे वियर्ड इवेंट्स इस ही रात क्यों हो रहे थे, ये सोचते सोचते पता नहीं मैं कब सो गई। और अगली सुबह जब मैं उठी तो सब कुछ ठीक था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। सोफिया को रात के बारे में तो कुछ याद भी नहीं था। ये जानने के लिए कि सोफिया बाहर आखिर क्या देख रही थी, मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मुझे वहां कुछ नहीं दिखा। बस जंगल जंगल सा एरिया था, जो कि ऑब्वियसली रात में किसी को भी नहीं दिखता। पर उस रात के बाद मम्मी को उस होटल में नहीं रहना था, इसलिए हम सब ने अपना सामान बांधा और फूफू के घर चले गए। और वहां पहुंचकर हमने उन्हें ये स्टोरी सुनाई तो हमारी फूफू ने हमें बताया कि पिछली रात हमारा कजन भी अचानक से उठा, जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर किसी तरह उन्होंने उसे सुला दिया और मेरी दीदी बस चुपचाप बैठ के सब सुनती रही। मुझे सच में नहीं पता कि उस रात आखिर क्या हुआ, पर शायद से ये चार्ली चार्ली गेम असली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मेरे चैनल पर सुननी है तो प्लीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल लिंक दे रखा है, वहाँ आप अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। आई हैव बिन गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज विच आर फेक एंड इट इज़ वेरी ईजी टू टेल कि कौन सी वाली फेक है, कौन सी वाली सच है। तो प्लीज़, अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है तो ज़बरदस्ती भेजने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ शेयर योर रियल एक्सपीरियंसेस जिनमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर मी ऑल्सो। बट या, यूज दैट ईमेल लिंक, यूज दिस फॉर्मेट एंड सेंड योर स्टोरीज टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर हैप्पी, आई होप यू आर ओके, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।